हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर कर रही हूँ 3 तरह के नमक पारे की रेसिपी। एक ही बार सिर्फ डफ बनाना है और उससे हम अलग अलग 3 स्टाइल में नमक पारे बनाएंगे। बहुत ही आसान है और बहुत क्रिस्पी और बहुत यम्मी बनेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 बाउल मैदा और 1 बाउल मैंने लिया है गेहूं का आटा। आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं या आप चाहे तो टोटल आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने डाला 1/2 चम्मच नमक और ये अजवाइन है, इसे हाथों से थोड़ा क्रश करके डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच जीरा और अब इसमें हम डालेंगे मोयन के लिए ऑयल। 1 टेबल स्पून भर के ऑयल डाल दिया है मैंने। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, जो हमारे नमक पारे हो चाहे शक्कर पारे हो, जिसमें भी हम मोयन डालते हैं वो बहुत खस्ता और क्रिस्पी बनता है। तो हमें ऑयल को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है मैदे और आटे के साथ, और अच्छे से मिक्स करने के बाद जब हम इसे एक हाथ में मुट्ठी में पकड़ेंगे तो इसका एक लड्डू सा बनना चाहिए। इसका मतलब इसमें जो मोयन डाला है वो परफेक्ट है। अब हम इसका आटा गूंद लेंगे। आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नमक पारे है या शक्कर पारे जो हम बनाते हैं उसका आटा थोड़ा सा टाइट ही रहता है, तो इसे हल्का सा टाइट रखें। और ये मेरा आटा लगभग हो चुका है, तो अब हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हम 3 स्टाइल में बनाने वाले हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ दूसरे स्पाइसेस डाल के इसे चटपटा मसालेदार भी बना सकते हैं, मिर्च वगैरह डाल के। तो सबसे पहला वाला पार्ट लेके मैं इसे अच्छे से रोल कर लूँगी। इसकी मैंने एक रोटी बेल ली है बड़े साइज की और अब मैं इसमें लगाऊंगी घी। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं। और अब इसके ऊपर मैं डस्ट कर रही हूँ सूखा आटा डस्ट करके हाथों से इसे एक बार रब कर दे। अब हम इसे रोल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा दबा दबा के रोल नहीं करना है, हल्के हाथों से बस एक रोल बना लेना है। और अब इसके हम छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। इससे क्या होगा, इसकी एक अलग अलग लेयर निकल के आएगी। बस अब इसे हाथों से दबा दे और ये हमारा स्पाइरल शेप वाला जो नमकीन था वो रेडी हो चुका है। सभी पीसेस को लेके बस हथेली से दबाना है। बहुत ही इजी है, बहुत मज़ेदार लगेंगे। अब हम बनाएंगे दूसरी डिज़ाइन। इसके लिए हमें फिर से रोटी बेल लेना है, लेकिन इस बार रोटी बहुत पतली नहीं बेलना है। रोटी को हमें इस बार थोड़ी सी मोटी ही रखना है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, एक मीडियम साइज़ का रखना है। अब ये मैंने बॉटल का ढक्कन लिया है, जो सायरप होती है बच्चों की उसके ऊपर ये ढक्कन होता है। बस हमें इस ढक्कन से कट करते जाना है और आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि बिल्कुल काजू की शेप की तरह इसमें डिजाइन बनती जा रही है। तो इस टाइप से हम काजू वाले भी नमक पारे बना सकते हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए अब हम बनाएंगे 3rd वाली स्टाइल। इसके लिए छोटी सी बॉल ली है और इसकी एक पतली सी पूरी बेल लेना है। तो ये मैंने बिल्कुल पतली सी एक पूरी बेल ली है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी घी। घी लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर सूखा आटा डस्ट करूंगी, इसे भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसे बीच में से फोल्ड कर लेंगे, इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा घी लगाएंगे, फिर से थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और अब हम इसे इधर से भी फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा जो है मिनी समोसा या ट्राइंगल शेप वाला नमक पारा रेडी हो चुका है। इसे फोक से कट लगा दें, क्योंकि ये फूल जाएगा और हमें क्रिस्पी करना है, फुलाना नहीं है उसे। अब हमें इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए एक बात याद रहे कि बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में फ्राई नहीं करें, वरना ऊपर से तो ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, क्रिस्पी नहीं होंगे। तो तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने दें, हल्का सा मीडियम गर्म ऑयल रहे तभी आप डाल दें और मीडियम फ्लेम पे ही इसे आप फ्राई होने दें। तो ये जब धीरे धीरे फ्राई होंगे ना तो बहुत क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता और बहुत टेस्टी बनेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।